हाय एवरीबॉडी, आई एम शोभित एंड वेलकम टू स्मार्ट एडवाइजर। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फायरबोल्ट मर्करी। तो गाइज, ये जो वॉच है जनरली आपको 3000 रुपीज़ की मिल जाएगी, बट मैंने ये रिपब्लिक डे सेल में सिर्फ 2000 रुपीज़ की परचेज की है। इसके अंदर हमको 1.7 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है, SPO2 मीटर भी मिल जाता है, एंड इसके अंदर एक यूनिक चीज़ है, वो है बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो बेसिकली ये एज अ थर्मामीटर भी काम करती है। अब आप यहाँ पे आए तो आपके माइंड में एक डाउट तो होगा ही कि क्या इस वॉच को परचेस करें या ना करें। तो टेंशन मत लो गाइस, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर करने की कोशिश करूंगा। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड मेरे सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फटाफट से इसमें इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसके अंदर हमको 1.7 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है, एंड इसके साथ हमको बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड SPO2 मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है। एंड गाइज, वही बैक साइड के ऊपर सेम स्पेसिफिकेशंस है, लाइक बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ट्रैक SPO2, हार्ट रेट मॉनिटर, IP67 वाटरप्रूफ है, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, स्लीप ट्रैकिंग है, कॉल नोटिफिकेशन है, एंड 8 डेज ऑफ बैटरी लाइफ है। तो वॉच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ऑन पेपर्स, बट देखते हैं कि एक्चुअल में ये वॉच कैसी है। तो मैं बॉक्स को फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। सो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें यहाँ पे वॉच मिल जाती है, साथ में ही हमको एक इसकी मैग्नेटिक पोको पिन चार्जर मिल जाता है, एंड इसके साथ कोई भी अडाप्टर तो नहीं मिलता ऑब्वियसली। प्लस बॉक्स के अंदर हमको Z5 की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है 1 मंथ की, एंड एक यूजर मैनुअल गाइड है, प्लस कुछ पेपर वर्क है जहाँ पे हमारे विराट कोहली भैया बैठे हुए हैं, एंड इसके साथ हमको 3 मंथ्स की गाना की सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल जाती है। तो ठीक है, इन पेपर वर्क को हम रखते हैं साइड में, अब डायरेक्टली वॉच के ऊपर आ जाते हैं। तो वॉच ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, मैं इसको पिछले 3-4 दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ, एंड मैंने इसके अंदर स्लीप ट्रैकिंग, अनस्टेप ट्रैकिंग, SPO2 मॉनिटरिंग सब कुछ मैंने इसके अंदर टेस्ट किया है। तो सबसे पहले अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ये जो वॉच है काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। आप देख सकते हैं ये जो नॉइस फिट अल्ट्रा है ना, उसकी याद कहीं ना कहीं आपको दिलाएगी, बिल्कुल स्लिम सी वॉच है। एंड यहाँ पे आपको मेटल की केसिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम इसको बना देती है। तो सामने की साइड आपको 1.7 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है, एक पावर बटन है जो कि एज अ बैक बटन भी काम करता है, एंड पीछे की साइड आपको यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, साथ में ही आपको बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर है, एंड नीचे की साइड आपको पोको पिन मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं, एंड ऊपर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है। तो इस स्ट्रैप की अगर हम बात करूँ तो सिलिकॉन का है, एंड मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी इस स्ट्रैप की। आपके हैंड्स के अंदर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा, तो मेरे हैंड्स में अब तक कोई भी रैशेज या कुछ नहीं है। काफ़ी बार जो है हैंड वॉश करते टाइम भी इस वॉच, ये जो वॉच है वो गीली हो गई थी, तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो कंफर्ट के मामले में एंड लुक्स के मामले में मैं इस वॉच को प्राइस के अकॉर्डिंग 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। डेफिनेटली बहुत ही गुड लुकिंग वॉच है, एंड अगर आप इसको थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के लिए भी लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। एंड ये वॉच काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, एंड आपके हैंड्स में ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। बट अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की। तो डिस्प्ले जो है यहाँ पे 1.7 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है, एंड ये फुल टच स्क्रीन है, एंड इसका जो रिस्पॉन्स है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हर बार जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी ये टच को रिस्पॉन्ड करती है, एंड मेरे हिसाब से इंडोर्स के अंदर तो ये वॉच बिल्कुल ठीक है, बट अगर आउटडोर्स के अंदर आप जा रहे हैं तो ब्राइटनेस थोड़ी सी मुझे कम लगी। बट 2000 रुपये के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस मैं बुरी नहीं कहूँगा, प्राइस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल जस्टिफाई करती है। बाकी अगर मैं इसके इंटरफेस की बात करूँ तो अगर आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेवल मिल जाएगा, DND मिल जाएगा, थिएटर मोड मिल जाएगा। तो थिएटर मोड के अंदर बेसिकली ये वाइब्रेशन को ऑफ कर देता है, ब्राइटनेस को लो कर देता है, एंड यहाँ पर आपको टॉर्च भी मिल जाती है, प्लस कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको हनीकॉम और लिस्ट स्टाइल मिल जाएगी। तो ये हनीकॉम स्टाइल ही मैं रखना चाहूँगा, ये आगे बताता हूँ कि क्या चीज़ है। एंड वैसे यहाँ पे सेटिंग्स भी मिल जाती है, तो सेटिंग्स के अंदर वही सेम ऑप्शंस, ब्राइटनेस, वाइब्रेशन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसके अंदर वाइब्रेशन भी है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड डू नॉट डिस्टर्ब, थिएटर मोड, डायल स्विच, एंड यहाँ पर रीसेट बटन, पावर ऑफ एंड QR कोड भी आपको मिल जाता है। तो QR कोड बेसिकली इसकी एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन के अंदर हम बाद में आएंगे, बट यूज़र इंटरफेस पहले जो है अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड अगर आप यहाँ नीचे से स्वाइप करेंगे तो नीचे से स्वाइप करने पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है, WhatsApp की, Instagram की। तो किस किस एप्लीकेशन की आप नोटिफिकेशन चाहते हैं वो आप एप्लीकेशन से सेट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर आप यहाँ से राइट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, स्टेप्स के साथ साथ आप नीचे का डेटा भी देख सकते हैं कि कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है, कितने किलोमीटर्स आपने वॉक किए इसके ऊपर, एंड
प्लस ये आपको पूरे वीक का जो है डेटा भी दिखा देता है। एंड साथ में आपको यहाँ पे स्लीप ट्रैक भी मिल जाएगा, तो आपने कितने आवर्स की स्लीप की है वो भी दिखा देगा, और आपकी स्लीप जो है वो कैसी थी उसका भी आपको रिकॉर्ड मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, एंड और स्वाइप करने पर आपको बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर मिल जाता है, एंड यहाँ पे SPO2 मॉनिटर, एंड लास्ट आपको यहाँ पे वेदर एप्लीकेशन भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको पूरे वीक का जो वेदर फोरकास्ट है वो दिखा देगा। बट अगर मैं यहाँ से लेफ्ट स्वाइप करूँ तो लेफ्ट स्वाइप करने पे पूरा हनीकॉम स्टाइल जो है मेन्यू आ जाता है, जहाँ पे आपको सारी अलग अलग एप्लीकेशन जो कि इस वॉच के अंदर ऑलरेडी डली हुई है। ये एक स्मार्ट वॉच है बट इसके अंदर आप कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो कुछ इनबिल्ट है वही यूज़ करना होगा। तो इस मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज मोड्स मिल जाएंगे, जहाँ पे वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन एंड ऑल मिल जाता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड प्लस यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच भी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि काउंटडाउन टाइमर भी है। प्लस आप इस वॉच के थ्रू जो है अपने अलार्म को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अलार्म सेट नहीं कर सकते, सिर्फ ऑन और ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस, जो वॉच का UI है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग लगा, बट एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्सरसाइज के लिए शॉर्टकट नहीं मिलता, आपको सिंपली इस मेन्यू के अंदर जाना पड़ता है अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, और उसके अंदर से आपको एक्सप्लोर करके आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप वॉच फेसेस चेंज करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करके आपको यहाँ पे जो है 5 वॉचेस का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर हमको 200 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं, जो कि इसकी एप्लीकेशन से आप चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, आज पूरे दिन के अंदर जो है मैंने ऑलमोस्ट 5663 स्टेप्स के अराउंड जो है वॉक किया है, एंड 3.7 किलोमीटर्स के अराउंड वॉक है। तो गाइस, अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूं तो इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, बिकॉज मैंने साइड बाई साइड जो है अपना MI Band 5 भी पहना हुआ था, तो मैं इस MI Band के ऊपर जो है ब्लाइंडली फेथ करता हूँ, एंड इसका जो स्टेप्स है वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। एंड इसके अंदर जो है अगर आप देखें तो सिर्फ 3724 स्टेप्स है, तो ऑलमोस्ट जो है ना गाइस 1900 स्टेप्स का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है बाहर गया था अपने बाइक पे कुछ काम से, एंड ये मैंने दोनों ही चीज़ें पहनी हुई थी, एंड जब मैं अपनी बाइक चला रहा था तो साथ साथ ये जो वॉच है स्टेप्स जो है काउंट करी थी जब मैं अपनी बाइक चला रहा था, जब हाथ हिलता है तो ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब एक्यूरेसी की मैं बात कर ही रहा हूँ ना गाइज, तो यहाँ पे अगर आप SPO2 को देखें या फिर हार्ट बीट को देखें, तो अगर आप यहाँ टेबल के ऊपर भी रखते हैं तो ये तब भी डिटेक्ट कर लेता है हार्ट बीट। भाई टेबल के अंदर कौन सा दिल है आप मुझे बता दो, ये टेक बर्नर की टेबल नहीं है भाई, ये बचती नहीं है। बाकी इसके अंदर सिर्फ SPO2 मीटर ही नहीं, टेम्परेचर को भी ये कर लेता है डिटेक्ट, एंड हार्ट रेट को भी कर लेता है। तो सब चीज़ें जो है टेबल के ऊपर ही डिटेक्ट कर लेता है, टेबल को एक ऐसा बंदा मान रहा है। एंड हाथ के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा रिलायबल ये वॉच नहीं लगी, इसके जो भी हार्ट रेट मॉनिटर SPO2 मॉनिटर है, तो मैं कहूँगा उसको टेस्ट करने के लिए आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स लें या फिर एक अच्छी वॉच लें। तो ये सिर्फ शो ऑफ के लिए वॉच है, ना तो इसके स्टेप्स एक्यूरेट है और ना ही जो भी अदर सेंसर्स है लाइक हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 एंड बॉडी टेम्परेचर वो एक्यूरेट है, तो ये थोड़ा सा डील ब्रेकर बना देता है। बाकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो मैंने 3 दिन से इस वॉच को से चार्ज नहीं किया जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड अब तक जो बैटरी है वो समवेयर अराउंड 75% के अराउंड है, एंड जब आई थी तो मैंने फुल चार्ज 100% कर लिया था, तो मेरे हिसाब से आराम से एक वीक तो निकाल ही देगी, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। एंड इसको चार्ज करने में भी ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगते हैं, आप किसी भी 10 वॉट यानी कि 5 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि अपने एक्सेसरीज को उसी चार्जर से चार्ज करें, उससे जो आपकी एक्सेसरीज है वो हेल्दी रहती है। तो गाइस, अब बात आती है कि क्या ये वॉच लेना वर्थ इट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छी गुड लुकिंग एंड प्रीमियम वॉच चाहिए सिर्फ 2000 रुपीज़ में तो ये काफ़ी अच्छी है। बट अगर आप बेसिकली हार्ट रेट मॉनिटर या बॉडी टेम्परेचर या फिर SPO2 के लिए इसको ले रहे हैं तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके जो भी सेंसर्स है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। मैंने बहुत ही अलग अलग सिनेरियोज में टेस्ट किया एंड ये हर जगह जो है फेल हुई है, एंड मैंने इसको कंपेयर अपने MI Band के साथ भी किया है। तो आप इसके सेंसर्स के ऊपर रिलाई ना करके मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स के ऊपर या फिर अच्छी वॉच के ऊपर रिलाई करें। बाकी लुक एंड प्रीमियम वाइज तो मैं इसको 4 स्टार देना चाहूंगा। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ द Firebolt Mercury। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी एंड यूजफुल रही होगी, एंड आपके माइंड में जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जाके बारिश कर दो अपने डाउट्स की, मैं सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करता हूँ। एंड जाते जाते मेरे चैनल के सपोर्ट एंड मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन।
keep rocking and keep enjoying.